आने वाले हैं। पटना हाईकोर्ट नई बहाली, पटना हाईकोर्ट में नौकरी वह भी बिना परीक्षा के सीधी बहाली, ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। सहायक भर्ती वेतन देख लीजिए, वेतन आपको 80,000 प्लस मिलेगी। आवेदन 28 से शुरू हो रहा है। इस वीडियो में बताने वाले हैं इस वैकेंसी को भरने के लिए योग्यता क्या रहने वाली है, उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया, सारी जानकारी वन बाय वन करके बताने वाले हैं और कितने पदों पर यह वैकेंसी निकल के आ रही है। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले पटना हाईकोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ से नोटिस डाउनलोड करके बता रहे हैं जो कितने पदों पर यह वैकेंसी निकल के आ रही है, आवेदन कब से शुरू हो रही है, चयन प्रक्रिया क्या है, उम्र सीमा क्या है, सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बताने वाले हैं और किस पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकल के आ रही है। आप वीडियो में बने रहिए। देख लिए दोस्तों, नोटिस डाउनलोड कर लिए हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करके, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय देख लीजिए, विज्ञापन संख्या PSC 03/2023। सरकार बिहार के उच्च न्यायालय पटना में वेतन मैट्रिक्स के लेवल आपको देख लीजिए, जो कि लेवल 7 पे करेगा, इसमें 44,900 तक रहने वाली है। आगे देख लीजिए, यहाँ से आपको शुरू होगी और 1,42,400 आपको वेतन मिलने वाली, जो कि व्यक्तिगत सहायक ग्रुप बी पोस्ट के लिए टोटल रिक्त है आपको कितना 36। आगे देख लीजिए, पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, साथ में PRC के अतिरिक्त सामान्य भत्ते आपको दिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक पास है या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आवश्यक न्यूनतम गति के साथ अंग्रेजी शॉर्ट हैंड और अंग्रेजी टाइपिंग का प्रमाण पत्र आपके पास है। कंप्यूटर में कम से कम 6 महीने का कोर्स, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या किसी मान्यता प्राप्त देखिए संस्थान से आवेदन कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर डिप्लोमा आपको 6 महीना ADCA होना चाहिए, कम से कम आपको ADCA होना चाहिए। DCA हो गया 6 महीना, तो 6 महीना वाला काम नहीं करने वाला। ADCA आपके पास होना चाहिए, यहाँ वैसे भी 6 महीना का लिख दिया गया। DCA भी है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और ADCA है तो और बेटर है। उसके बाद सारी जानकारी देख लीजिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक पास है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आपके पास देख लीजिए कंप्यूटर का कम से कम 6 महीना का भी डिग्री और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपको अच्छा खासा आता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख लीजिए, आयु सीमा देख लीजिए 18 से लेकर 37 वर्ष तक, जो कि आपका 1/1/2023 से एज काउंट होगा। 1/1/2023 से देख लीजिए आपका एज काउंट होगा, जिसमें 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 37 वर्ष है। ऊपरी आयु सीमा आपको कैटेगरी वाइज आपको छूट दिया जाएगा, देख लीजिए, जो स्वीकार छूट के साथ विस्तृत विज्ञापन देखें। आगे दिया है विज्ञापन संख्या PSC 03/2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने का लिंक उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट पर है। तो देख लीजिए, सिर्फ यह जो है नोटिस जारी किया गया है विभाग की तरफ से, बाकी आपको पटना उच्च न्यायालय का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके 28 से यह आवेदन शुरू हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन किए हुए हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और आपके पास कंप्यूटर का डिग्री है, ध्यान समझ लीजिए कंप्यूटर का डिग्री है, DCA का भी है और ADCA का भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश आपको अच्छा खासा टाइपिंग आना चाहिए, जो कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल 36 पदों पर यह वैकेंसी निकल के आ रही है और आवेदन आपको 28 से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, अब वीडियो के डिस्कशन में हम आपको पटना उच्च न्यायालय के दे दिए हैं लिंक, जहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट आप एक बार डाउनलोड जाके देखिए नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, सारी जानकारी वन बाय वन करके जान लीजिए, उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। क्योंकि आपको पता है पटना हाईकोर्ट का यह वैकेंसी है और वेतन भी बता दिए कितना मिलने वाली है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बता चुके हैं और इसमें एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म को भरना चाहते हैं भर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में सारी जानकारी बता दिए हैं। वीडियो डिस्कशन में जाइए, वहाँ से पटना उच्च न्यायालय का हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक दे दिए, उस पर क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अच्छा से, उसके बाद पढ़िए उसको। उसके बाद 28 से इसका आवेदन शुरू हो रही है। और जो भी स्टूडेंट DCA ADCA अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और कमेंट करके बताइएगा किसके किसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, हम अवेलेबल आपको करवा देंगे। आई होप कि सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बता दिए हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।
जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में बता दिए हैं। आप लोग कह रहे थे सर पटना उच्च न्यायालय का न्यू वैकेंसी कब आई, देखिए न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरना चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू।